मिनिस्टर की सर्विसेज बहुत पुअर है। एमरजेंसी में वार्ड में आप जानते हो मैं बहुत घूमता रहता हूँ, इसलिए एक महीने में निकल 60-70 पंचायत में जनसंपर्क किया है, तो वहाँ सारी ये फीडबैक और वहाँ तो मजबूर होकर के बाद जाने तो वो उसी रिफ्यूजी में आते हैं, तो वहाँ वो रिफ्यूजी की एक राइट्स का है जनरल कन्वेंशन है तो उनके लिए कुछ सेट करूँगा इंसानियत के नाते। उसमें राजस्थान सरकार, भारत सरकार, क्योंकि डिफेंस का मामला है ना, यहाँ से बाड़मेर से जाएगी बाड़मेर से जाएगी वहाँ कांडला तक आगे बाबर की, तो उसमें कुछ रोड़े अटक रहे हैं तो घोषणा कर चुकी है, उम्मीद है कि वो काम जल्दी शुरू होगा। अंतिम सवाल है, देखिए मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय मार्च 2013 के बजट में प्रावधान में 576 करोड़ के करीब जैसलमेर से बाबरा ट्रेन के लिए स्वीकृत किए गए थे। अगर जैसलमेर से अहमदाबाद जुड़ता है, बाबरा जुड़ता है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे पहली तो संभावना बढ़ती है पर्यटन व्यवसाय की, क्योंकि जैसलमेर में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, घरेलू पर्यटक आते हैं, वो सबसे अधिक गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से आते हैं उनके लिए। दूसरा, व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ जाएगी क्योंकि जैसलमेर के लिए व्यापार की भी गतिविधियाँ गुजरात और महाराष्ट्र से ज़्यादा रहती है। तीसरा, जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए किसान हैं वो अपनी फसलें बेचने भी गुजरात ही जाते हैं। इसके साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए भी ये ट्रेन बहुत बड़ी ट्रेन है। यदि जैसलमेर से बाबरा का प्रोजेक्ट शुरू होता है और कंप्लीट होता है तो निश्चित तौर पर ये पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर बाड़मेर का, अहमदाबाद गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र से जुड़ने का बहुत बड़ा फायदा होगा। और गुजरात से जुड़ने का तात्पर्य है जैसलमेर बाड़मेर के लोग सीधा दक्षिण भारत से जुड़ जाएं, ये बहुत ही बेहतर काम होगा। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये बाबरा ट्रेन का काम बिल्कुल बंद हो गया है और सुना है कि वो पैसा भी रोक दिया गया है और वो काम बीच में ही ठप हो चुका है।